हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे हाइड कर सकते हो। दोस्तों, हाइड करने के लिए आपको व्हाट्सएप में स्टेटस को म्यूट करना होगा, ठीक है। तो कैसे म्यूट करते हैं आज मैं वही बोलूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ओपन करके स्टेटस में चला गया। स्टेटस में चला जाने के बाद यहाँ पे आप दो स्टेटस देख रहे हो, ठीक है। मेरा दो फ्रेंड्स का स्टेटस है। अब मैं किसी को स्टेटस भी यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपली उस स्टेटस को क्लिक करके रखना है, ठीक है। तो मैं एक बार पहले वाला स्टेटस में क्लिक करके रखूंगा। क्लिक करके रखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा म्यूट का। म्यूट में क्लिक करने के बाद एक वाला स्टेटस हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों व्हाट्सएप पे कोई भी स्टेटस को हाइड करते हैं। यहाँ पे सिंपली दोस्तों एक बार सेकंड वाला स्टेटस भी मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे म्यूट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला स्टेटस भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको अनहाइड करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में जो यहाँ पे एरो वाला साइन है, इसमें क्लिक करना है आपको, ठीक है। इसमें जब क्लिक करोगे तो आपने जो स्टेटस हाइड किया वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। दिखने के बाद दोस्तों आप जो स्टेटस हाइड किया उसमें फिर से क्लिक करके रखना है आपको। रखने के बाद यहाँ पे अनहाइड अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। अनम्यूट में जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे फिर से अनहाइड हो जाएगा स्टेटस, ठीक है। तो ऐसे ही व्हाट्सएप में किसी का भी स्टेटस को आप हाइड कर सकते हो एंड ऐसे ही अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।